नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। अगर आप अपने जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार तेज गति से दौड़ने लगे और आपके जीवन में धन का आगमन होने लगे, तो बुधवार के दिन वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप आज के दिन थोड़े से भी उपाय कर लेते हैं जो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का वहाँ आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको आपकी मनचाही नौकरी मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता भी कहा जाता है। हालांकि कई ग्रंथों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन अगर सभी ग्रंथों के सारांश को देखा जाए तो सभी में यह बताया गया है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले अगर भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो उस कार्य में हमें निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर दिन जैसे नवरात्रि या बड़े बुधवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा साधना और क्रिया कर लेता है, तो उस व्यक्ति को भगवान गणेश जी के साथ साथ माता रानी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार बुधवार का दिन आया है वह पूरे 20 सालों बाद आया है, और ऐसे में अगर आप उन उपायों को कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश और जय माता रानी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि इस बार जो भड़वा महीने का बुधवार आया है वह कोई साधारण सा बुधवार नहीं है, बल्कि बड़ा बुधवार है, और इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी उपाय हम आप लोगों को बताएंगे, उन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सा उपाय करना है। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महा उपाय। अगर किसी कारणवश आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ गया है, आप के ऊपर ऐसा कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप कड़े परिश्रम तो करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बहुत ही सरल है, बस आपको बुधवार के दिन किसी भी समय गाय को हरी घास खिला देना है। कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला देते हैं, तो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन अभी आपका व्यापार अचानक से ठप पड़ गया है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम जो उपाय बता रहे हैं उसे कर लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए।
आपको एक लोटे में मूंग की दाल लेना है और मूंग की दाल लेकर सूर्यास्त से पहले किसी भी भगवान के मंदिर चले जाना है और मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को मूंग की दाल दान कर देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बाएं हाथ से ही दान करना है। अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन इतना कर लेते हैं तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही है, जिस वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो वह दोबारा से चल पड़ेगा। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप अपने जीवन में इस समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस साधारण से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको 3 जटा वाला नारियल खरीद कर लाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि नारियल सूखा नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद कर लाने के बाद आपको सूर्यास्त से पहले अपने पूजा घर में बैठना है और 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद 1 नारियल किसी भी मंदिर में दान कर देना है, 2 नारियल बहते हुए पानी में बहा देना है और 3 नारियल किसी भी हवन कुंड में डाल देना है। अगर आप आज के दिन सूर्यास्त से पहले इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी नौकरी में जो भी दिक्कत आ रही है वह दिक्कतें खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा और इनके आशीर्वाद से आपको आपकी मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। यानी यह उपाय धन प्राप्ति का महा उपाय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको 1 लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च और 2 इलायची रखना है और उस कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको सूर्यास्त के बाद अपने पूजा घर में बैठना है और 1 घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद जो पोटली आपने बनाए है उस पोटली को भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआ कर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। यानी आप जहाँ से पैसों का लेन देन करते हैं वहाँ पर आपको इस पोटली को रख देना है। अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन केवल इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह आपके जीवन में चल रही धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी और धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। इसीलिए आज के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।